हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास भी ये एरर आ रहा है, नेटवर्क डिस्कवरी इज़ टर्न ऑफ, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं विंडोज़ 10 में से और विंडोज़ 11 में से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर वन, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप बॉक्स में चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेफ चेंज के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर से ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर टू, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन डिस्कवरी रिसोर्स पब्लिकेशन, आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो है मैनुअल है, तो आप इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है डीएनएस क्लाइंट, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर डीएनएस क्लाइंट आपको शो हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर भी आपको स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है SSDP डिस्कवरी, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। स्टार्टअप टाइप आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आप जो है इसको यहाँ पर से क्लोज कीजिए, सेटिंग को क्लोज कर दीजिए। स्टेप नंबर थ्री, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है विंडोज़ डिफेंडर, ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ एन ऐप और फीचर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर चेंज सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है नेटवर्क डिस्कवरी, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क डिस्कवरी है, और यहाँ पर आपके पास इन दोनों बॉक्स में चेक होना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों बॉक्स में इस तरीके से चेक होना चाहिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने PC को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।